दोस्तों मैं मनोज चौधरी और आज के इस वीडियो में बात करेंगे किस तरह अपने मोबाइल फोन से ही ऑन ड्यूटी सर्टिफिकेट और साथ ही में किस तरह अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि मैंने हाल ही में कुछ वीडियो अपलोड की जिसमें बताया था किस तरह आप लॉकडाउन के अंतर्गत भी अपनी शॉप को ओपन कर सकते हैं, अपनी शॉप को चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ आपको दस्तावेज इकट्ठा करने, कुछ आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर कलेक्ट करने, तभी अपनी शॉप को यहाँ पर ओपन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको एक ऑन ड्यूटी सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, दूसरा आपको एक आईडी कार्ड डाउनलोड करना है, तीसरा आपको बैंकिंग करस्पोंडेंट का आपको सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना है। ये तीनों डॉक्यूमेंट आप इकट्ठा करके अपनी शॉप को ओपन कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पर जो लॉकडाउन का जो गाइडलाइन उसको रूल्स को फॉलो करना है, तभी अपनी शॉप को चला सकते हैं। तो ये जो मैंने बताया था, ये मैंने लैपटॉप या पीसी की सहायता से बताया था, जिसमें मैंने कवर किया था स्पाइस मनी का एक अलग वीडियो बनाया था और फिनोवेन का अलग वीडियो बनाया, जिसमें मैंने दोनों को कवर किया था और उन्हें बताया था किस तरह को अपनी सिस्टम से यानी क्रोम ब्राउजर से आपको यहाँ पर ऑन ड्यूटी सर्टिफिकेट और ये जो आईडी कार्ड डाउनलोड करना है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें बताया जा रहा था कि सर ये जो आप बता रही है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू बताइए, और मेरे हिसाब से लगता है कि यहाँ पर 70% से ज्यादा लोग मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, वो सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि लोग को मोबाइल एप्लीकेशन में आसानी पड़ती है यानी कि ईपीएस यूज करने में, तो वो चाहते हैं कि ये सर्विस जो हम बता रही है मोबाइल एप्लीकेशन बताया जाए तो उनको आसानी होती है। और यहाँ पर कहता है कि 50% से कम ज्यादा के लोग सिस्टम यूज नहीं करते, वो मोबाइल से अपना काम चला लेते हैं, और जो 50% लोग सिस्टम यूज करते हैं लेकिन ज्यादा से बात करें तो वो मोबाइल से ही काम कर लेते हैं, क्योंकि मोबाइल में आसानी होती है, एक ओटीजी और बायोमेट्रिक की सहायता से पैसा निकल जाता है, और काफी लोग सिस्टम का इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं, और कई लोग के पास सिस्टम होता भी नहीं, जिन लोगों के पास सिस्टम नहीं है तो वो कैसे डाउनलोड करेंगे। तो ये जिक्र करते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू बताया, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ जिसमें मैं कवर करूंगा पेनियर बाय स्पाइस मनी और फिनो बैंक, मैं तीनों का कवर करूंगा, बताऊं किस तरह को मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से आपको ऑन ड्यूटी सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड और बैंकिंग करस्पोंडेंट आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है। तो और ये लॉकडाउन का जो सर्टिफिकेट है इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं, किस तरह काम करता है, इसका क्या महत्वपूर्ण यहाँ पर काम करेगा, इसके बारे में और भी आप जानना चाहते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको नीचे बॉक्स है, तो आई बटन में उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मैं वीडियो को काफी लंबा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको केवल कवर करके बताऊंगा किस तरह को डाउनलोड करना है। यहाँ पर मैं तीन कंपनियों का जिक्र करने वाला हूँ, यदि आप भी किसी कंपनी का एईपीएस सर्विस चलाते हैं तो आपको ये चीज डाउनलोड कर लेना है, तभी अपनी शॉप को ओपन कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है मनोज चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चौधरी एसोसिएट। तो चलते अपने मोबाइल स्क्रीन को आपको दिखाते हैं किस तरह पर आपको डाउनलोड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं और आपको दिखाने वाले किस तरह आपको मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से यहाँ पर आपको ऑन ड्यूटी सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है, साथ ही में आपको आईडी कार्ड डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पेनियर बाय से। तो चलिए यहाँ पर हम पेनियर बाय का एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर किस तरह आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है, यदि आप पहले से आईडी पासवर्ड डालेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं इस लेफ्ट वाले साइड में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, तो चलिए यहाँ पर इसको हम ऑन कर लेते हैं परमिशन को। और यहाँ पर आपको थ्री डॉट इस पर क्लिक करना है, जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपको सबसे नीचे जाना है, सबसे नीचे मिलता है डाउनलोड बैनर, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होता है, ये सर्विस लोड ले रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डाउनलोड बैनर का ऑप्शन आ गया, आपको सेलेक्ट करना है सर्विस जो भी आपका है, और यहाँ पर आपको जो सर्विस में करना है ऑल प्रोडक्ट आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, तो लैंग्वेज अपने हिसाब से कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, जो भी है, उड़िया, मलयालम, तो यहाँ पर हम करते हैं इंग्लिश। और इंग्लिश के बाद सेलेक्ट करना, आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जो भी आपका लैंग्वेज होगा। जैसा कि देख पा रहे हैं इस पर सबमिट करते हैं आपको नीचे आना है अदर वाले ऑप्शन में, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको आईडी कार्ड मिल जाता है, नीचे आपको ऑन ड्यूटी सर्टिफिकेट, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है आईडी कार्ड वाले पे, यहाँ पर ये लोडिंग ले रहा है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं आईडी कार्ड डाउनलोड यानी कि आ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा आईडी कार्ड, यहाँ पर नेम रहेगा आपका, यहाँ पर मर्चेंट आईडी, जो भी आपका आईडी यानी मोबाइल नंबर रहेगा, यहाँ पर स्टेट आपका, यहाँ पर डिपार्टमेंट यानी कि मैंने सबको बताया था सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर, यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगा डीओजी में, और वैलिड टाइम में आप एनए रख सकते हैं, कोई भी टाइम इसका नहीं, यहाँ पर फोटो लाकर इसको चिपका सकते हैं। तो ये इस तरह यहाँ पर सेम फिनो की तरह यहाँ पर इसके नीचे आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर डाउनलोड जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसा कि देखिए यहाँ पर पहले से ये डाउनलोड मुझे लग रहा है बता रहा है, तो आपको यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप इसे ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हालांकि डाउनलोड हो चुका है, ये ओपन का ऑप्शन डायरेक्टली दे रहा है, तो चलिए यहाँ पर इसे हम ओपन कर देते हैं।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। इस तरह ओपन करके आप इसे एडिट करके यानी कि फिल करके आप प्रिंट कर सकते हैं। आपको कलर कॉपी प्रिंट करना है ना कि सादे में प्रिंट करना है आपको। तो ये हो गया आपका पहला वाला, जैसे कि मैंने बताया आपको इनिशियल सर्विसेज का आपका आईडी कार्ड हो गया है। अब इसे हम कट करते हैं, ठीक है, और चलते हैं हम बैक। उसके बाद आपको आना है दूसरे वाले पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचे है ऑन ड्यूटी सर्टिफिकेट, आपको इस पे क्लिक करना है। तो ये आप देख पा रहे हैं इनिशियल सर्विसेज अवेलेबल, ये पेनियर बाइक का ऑन ड्यूटी सर्टिफिकेट। इसे भी आपको डाउनलोड करके अपनी टू व्हीलर बाइक पे लगा लेना है, जो भी आपका है फुल व्हीलर टू व्हीलर जो इस पे लगा लेना है। ये आपका ऑन ड्यूटी सर्टिफिकेट है, अपने व्हीकल पे लगाकर इसके आप चल सकते हैं मार्केट में, आपको अपने शॉप पे भी लगा सकते हैं। तो इस तरह पे यहाँ पर दोनों सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपना आईडी कार्ड भी साथ में अपना ऑन ड्यूटी सर्टिफिकेट भी आप पेनियर बाइक के मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से आप डाउनलोड बटन का ऑप्शन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया पेनियर बाइक की बात। अभी हम बात करते हैं इसके बाद दूसरे एप्लीकेशन की, तो हम चलते हैं बैक। आपको यहीं से डाउनलोड करना होता है, ठीक है। अभी चलते हैं अपने दूसरे वाले एप्लीकेशन में, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे फिनो पेन बैंक की, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अभी हमने आप लोगों को बताया किस तरह आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है पेनियर बैंक का। अब बात करते हैं फिनो पेन बैंक का, तो फिनो पेन बैंक का किस तरह आपको आईडी कार्ड डाउनलोड करना है। तो आपको यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कई सारे सर्विस यहाँ पर चल रही है, तो उसी में आपको खोजना होता है। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से आप खोजेंगे नीचे तो आपको यहाँ पर इसका जो आईडी कार्ड वाला है ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको इस तरह सबसे नीचे लेना है, आपको यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया है इनिशियल सर्विसेज व्हीकल स्टिक, आपको इस पर क्लिक करना है। ये आपका ले जाएगा आपके क्रोम ब्राउजर पे, ठीक है, रिडायरेक्ट करके आपको। तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑन ड्यूटी सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर जो भी मैंने बताया था आपको इनिशियल सर्विसेज फिनो हमेशा, और आपको यहाँ पर जो लॉकडाउन का जो गाइडलाइन उसको आपको फॉलो करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो ये आप अपने व्हीकल पे लगा सकते हैं, या ऑन ड्यूटी सर्टिफिकेट होता है यहाँ पे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड का। तो यहाँ पर आप इस पे डाउनलोड पे क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो ये आपका फोन में से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, यहाँ से आप ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ओपन हो चुका है। अभी हम बैक करते हैं, तो ये आपका व्हीकल का हो गया। अब बात करते हैं हम आईडी कार्ड के बारे में, इसे बैक करना है। और दोबारा से आपको यहीं नीचे पर स्क्रॉल करना है, आपको नीचे का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं इनिशियल सर्विसेज आईडी कार्ड, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो जिसका जो आईडी कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सेम प्रोसेस लैपटॉप और मोबाइल का, दोनों का सेम प्रोसेस है, ठीक है, दोनों का सेम है, बस सिस्टम अलग अलग है। वहां पर आपको सिस्टम से डाउनलोड करना पड़ता है, आपको मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से डाउनलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप बिना लॉगिन किए भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको सिस्टम में यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं करना होता है। लॉगिन करने के पहले यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, ये पीडीएफ फाइल में है तो थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो इसका आईडी कार्ड ये डाउनलोड हो चुका हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर सेम वही प्रोसेस दिखाया जा रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पर नेम है, मर्चेंट आईडी आपको डालना है, स्टेट डालना है, डिपार्टमेंट डालना है, और डीओजी में डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालना है, वैलिड स्टेल में आपको एनए रख देना है, और आपको फोटो चिपका अपने शॉप पे लगा लेना है, और इसे आईडी कार्ड को बनाकर गले में पहन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह डाउनलोड करना है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे थ्री डॉट पे ही, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, सेंड फाइल का मिल जाता है, प्रिंट का मिल जाता है, ओपन का मिल जाता है। तो यहाँ से डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है पीडीएफ में डाउनलोड हो जाता है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसे। तो ये पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा, इसको डाउनलोड कर अपने फोन में सेव करके अपने यानी कि एडा फोटोशॉप में जाकर इसको एडिट करके फिल करके ही अपने शॉप पे लगा सकते हैं। तो आपको जब भी प्रिंट करना है आपको रंगीन में ही प्रिंट करना है, कभी भी आपको सादे में प्रिंट नहीं करना है, ठीक है। और यदि इसे आप छोटे बनाना चाहते हैं, काफी बड़ा है, A4 साइज में है, यदि आप इसको आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं अलग से मैंने वीडियो बना भी रखा हुआ है जो कि पुराना है, और आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। और किस तरह आपको इसको छोटे में आईडी कार्ड की तरह बनाना ताकि गले में पहन सके, तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा यदि आप लोग कमेंट करते हैं। ये लोग आप लोग नहीं कमेंट किया था, मैंने आपको मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से बता रहा हूँ किस तरह आपको यहाँ पर डाउनलोड करना था। तो यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं आपको बता दूंगा किस तरह आपको इसको आईडी कार्ड के रूप में बनाना है। तो आप देख चुके हैं यहाँ पर किस तरह आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर बैक करते हैं, ये बैक हो चुका है, तो आपको यहीं से डाउनलोड करना, मैंने आपको बता दिया है इसी वाले ऑप्शन में। आपको ऑप्शन मिला, आपको यहाँ पर खोजना पड़ेगा इनिशियल सर्विसेज के नाम से, वो मिल जाते हैं। यहाँ से आप खोज के आप प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से। यदि आपका लैपटॉप पीसी नहीं है तो आप मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से ही पिक्चर लैब या पिक्चर आर्ट की सहायता से आप इसे फोटो चिपका कर यानी फोटो लाकर यहाँ पर जो नाम वगैरह लिखना है लिख के आप प्रिंट कर सकते हैं, किसी शॉप पे प्रिंट करवा सकते हैं। तो यह इसके बाद अब हम बात करते हैं स्पाइस मनी की। तो स्पाइस मनी के पोर्टल में ये फीचर्स नहीं है कि आप मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से यहाँ पर आप यानी कि डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें ये फीचर्स नहीं है
कि आप मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से आप यहाँ पर ऑन ड्यूटी सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ये फंक्शन नहीं है, आपको जब भी डाउनलोड करना होगा तो अपने पीसी या लैपटॉप से ही डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, यदि मोबाइल एप्लीकेशन चलाते हैं तो आपको जाना होगा क्रोम ब्राउजर में, क्रोम ब्राउजर की सहायता से आपको डेस्कटॉप मोड में रख के डाउनलोड करना पड़ेगा, या तो अपने पीसी या लैपटॉप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हालांकि मैं यहाँ पर मैं नहीं आपको बताऊंगा किस तरह करना, मैं आपको इस सिस्टम में बताऊंगा। आप सिस्टम का सेम यानी कि स्टेप फॉलो कीजिएगा मोबाइल एप्लीकेशन में, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन जाइएगा। तो फ्रेंड्स अभी हम चलेंगे अपने क्रोम ब्राउजर में, आपको चलना है अपने क्रोम ब्राउजर में, आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है B2B स्पाइस मिनी पोर्टल। तो चलिए यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, और सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लेना है। तो यहाँ पर हमने पहले से लॉग इन कर लिया है, और लॉग इन करने के बाद आपको इस 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं आपको सबसे नीचे जाना है, सबसे नीचे का ऑप्शन मिलता है बीसी सर्टिफिकेट, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करके एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनुसूचना के अनुसार, ठीक है यहाँ पर पढ़ सकते हैं गृह मंत्रालय आईडी कार्ड है, स्पाइस मनी बैच है, और स्पाइस मनी के बारे में यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप नीचे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ए बी सी मिल जाता है, डी मिल जाता है, कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बट आपको यहाँ पर केवल बी डाउनलोड करना और सी डाउनलोड करना है। ठीक है, यहाँ पर दो ही आपको डाउनलोड करना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम बी डाउनलोड कर लेते हैं, यानी कि आईडी कार्ड आपको डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो 1 मिनट ये ऊपर हो चुका है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, इस पे हम क्लिक कर देंगे, और यहाँ से ऊपर से आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसे हाइड कर रखा हुआ है सिक्योरिटी रीजन के कारण से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बगल में फोटो लगा लेना है, और इस तरह आपका आईडी कार्ड इसे रंगीन प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं बैक, तो ये पहला और इस तरह डाउनलोड कर से दूसरा आपका मिल जाता है स्पाइस इन बैच, यानी सी आपको क्लिक करना है। सी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होता है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइमिंग लगता है। तो यहाँ पर ये भी डाउनलोड हो चुका है, आपको ऊपर से स्क्रॉल करना है और आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका ऑन ड्यूटी सर्टिफिकेट है, साथ में आपका नाम होगा, यहाँ पर आपका एजेंट आईडी होगा। तो इसे अपने बाइक पे लगा लेना है, 2 व्हीलर बाइक पे आपको लगा लेना है, यानी कि आपके व्हीकल पे लगाकर इसको चिपका देना है। अपने हिसाब से छोटे प्रिंट कर सकते हैं, आपका A4 साइज है तो चाहे तो आप A4 साइज में प्रिंट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे छोटे प्रिंट करके अपने शॉप पे और अपने बाइक पे लगा सकते हैं। इस तरह आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है अपना ऑन ड्यूटी सर्टिफिकेट, और साथ में आपको यहाँ पर जो भी आपका ये होता है आपका आईडी कार्ड, तीनों का आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फिनो पेन बैंक साथ में स्पाइस मनी का मोबाइल एप्लीकेशन साथ डाउनलोड कर सकते हैं। स्पाइस मनी के लिए आपको अपने क्रोम ब्राउजर में जाना होगा, या तो आपको सिस्टम से डाउनलोड करना होगा। तो मैंने आपको तीनों का बता दिया, तीनों को मैंने यहाँ पर कवर किया किस तरह को डाउनलोड करना है। यदि आपको वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने काफी सारे दोस्तों में, ताकि उनको भी जानकारी लग सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।